हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। अंडर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट स्टाफिंग चैप्टर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस विद द प्लानिंग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज स्टाफिंग। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट इट डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कभी भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। Whatever the resources are with the organization, whatever the resources are with the business firm, are being utilized in the best possible manner by the human resources. जो भी human being है, उन resources का किस तरीके से best possible manner में, most appropriate way में utilization कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हमारी organization का success depend करता है। So, hard working, efficient people are the most important asset of the organizations. जो hard working people होते हैं, जो hard working employees होते हैं, वो हमारी organization का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमारी organization की बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी कहलाते हैं। These are the most important assets, संपत्ति है वो हमारी organization की, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति कहलाते हैं वो। The key to success of any organization is right person at a right job position. किसी भी organization को success की चाबी का ये राज है कि हमें उस बंदे को appoint करना है जो बंदा उस काम को कर सकता है। We have to see all such qualification of that person. We have to see the person is having the ability, the person is having capability, the person is having experience of doing that work, कि वो person उस काम को कर पा रहा है या नहीं। The person के पास हमने जो काम उसको assign किया है, whatever the work is assigned to that person, कि वो person के लिए overburden तो नहीं है। तो हमको right time पे decisions लेना, right person for the right job, right qualification at the right time is just a staffing, right? So now moving to the meaning of staffing. Staffing means finding the right person for the right job. Finding a right person for the right job, having a right qualification, doing a right job at the right time. ये देख लिया कि पर्सन को देखना कि वो बंदा उस काम को कर सकता है, उसके पास उस काम को करने की कैपेबिलिटीज हैं, वो पर्सन उस काम को करने के लिए एबल है, उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन सभी को देखना उस राइट टाइम के अंदर ही। इफ वी आर लेट इन सीइंग सच थिंग, इफ वी आर लेट इन इंस्पेक्टिंग सच थिंग्स, सो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी, राइट? सो स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग द फील्ड पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग इज नथिंग बट स्टाफिंग मीन्स फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजिशन। जो भी वैकेंट जॉब पोजिशन खाली है, उन सबको फिल करना स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग इज जस्ट रिक्रूटिंग द पीपल, स्टाफिंग इज जस्ट सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाफ फॉर फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजिशन। हमको उन जॉब पोजिशन को फिल करना है, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट बंदा चाहिए और वी कैन से इफेक्टिव स्टाफ की ज़रूरत है, जो उन रिसोर्सेज, वट एवर द रिसोर्सेज आर विद द ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। वी हैव टू फिल ऑल सच वैकेंट जॉब अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस, राइट? तो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस, नीड्स एंड बेनिफिट ऑफ द स्टाफिंग। What is the importance, or we can say what are the needs and the necessities of staffing, right? So, filling the role by obtaining the competent personnel.
हमको रोल को फिल करना है। कैसे रोल को फिल करना है, हमने देखा कि अब जब हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लानिंग का, तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ओके, वी हैव डिसाइड इन द प्लानिंग। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, वी हैव टू अरेंज द थिंग। ओके, फ्रॉम वेयर वी हैव टू अरेंज द फाइनेंस, फ्रॉम वेयर वी हैव टू अरेंज द रॉ मटेरियल, फ्रॉम वेयर वी हैव टू अरेंज ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑल। वी आर डूइंग दिस फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजिंग, नाउ फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटेंट पर्सनल। ओके, द स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजिशन। देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब अनलेस अनटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयज। स्टाफिंग के फंक्शन में हमको वेकेंट जॉब को फिलअप करना पड़ता है। इन जॉब्स पोजिशन का कोई भी रोल नहीं है तब तक एम्प्लॉयज उनमें जाकर कोई भी, जब तक एम्प्लॉयज ही अपॉइंट ना किया जाए उस जॉब को पूरा करने के लिए। जॉब खाली बना देना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए पीपल को रिक्रूट करना, उसके लिए पीपल को अपॉइंट करना, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना भी बहुत ज़रूरी है, कि एम्प्लॉयज़ आर ओनली देयर हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑल सच एक्टिविटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड दो स्टाफिंग फंक्शन ओनली द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड टू फिल द बैकेंड जॉब। ये हो गया है कि एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है कि वो वैकेंट जॉब को फिलअप करें, राइट। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। प्लेसिंग द राइट पर्सन मीन्स वी हैव टू सी कि हमने जिस बंदे को काम किया है उसके पास उस काम करने की क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या नहीं, ये हमको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है अंडर द स्टाफिंग। ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, यस ऑफकोर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसके एम्प्लॉयज के ऊपर ही डिपेंड करती है, कि हमारे यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना एफिशिएंट स्टाफ काम कर रहा है, कितने इफेक्टिवली वो एफिशिएंट स्टाफ काम कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एफिशिएंट स्टाफ हैं तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस वे में सर्वाइवल करेगा। इट विल लीड टू अ कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा फ्रेंड्स, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, है ना, ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल मीन्स ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने जो एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को यूनिटी में ला के जो काम किया है, तो हमारे यहाँ ये पता चलता है कि हमारे पास कितना इफ़िशेंट स्टाफ था। तो अगर इफ़िशेंट स्टाफ है तो इन सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को क्या करना है, यूनिटी में लाना है। मीन्स इफ ब्रिंगिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द यूनिटी, मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रोथ, राइट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स while studying the staffing we have to see all such thing, we have to make estimate the man power requirement, ki hamare yahan main power ki kitni requirement hai, humko kitne people ko recruit karna hai, humko kitne people ko select karna hai। Okay, we have to see ki hamari organization mein kitni vacant job position, kitni khali position se unko kitne fill karna hai, kis types ke मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे देखेंगे हम, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस। अगर हमारा वर्कफोर्स ज़्यादा है तो हमको और पीपल को स्टाफ करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू अपॉइंट मोर पीपल। हमारा वर्कलोड ज़्यादा है तो हमको पीपल को रिक्रूट करना पड़ेगा, स्टाफ करना पड़ेगा। अगर हमारा वर्कफोर्स ज़्यादा है तो वी हैव टू ट्रांसफर द पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर देयर इज़ अ वैकेंट जॉब पोजिशन, जहाँ जॉब पोजिशंस खाली हैं वहाँ उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। इज़ दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टफुल यूज़ नहीं होगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, राइट। हेल्प इन कॉम्पिटिटिंग। कॉम्पिटिटिंग मीन्स हमारे मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है,
तो कंपटीशन ज़्यादा है, हमें अपने मार्केट में एक स्टैंड लेना है, स्टैंड करना है, तो वी हैव टू गो फॉर व्हाट, वी हैव टू गो फॉर द इफ़िशियंट स्टाफिंग। हमारे पास इफ़िशियंट स्टाफ भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज इनफिशियंट स्टाफ जो रहता है हमारे मार्केट में हमारी पोजीशन बहुत डाउन कर देता है, क्योंकि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से वी ऑलरेडी डिस्कस विद द वर्ड डायनेमिक। एनवायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक, आवर मार्केट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, सो एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट वी हैव टू मेक चेंजेस इन दिस ऑल्सो। तो हमारे पास इफ़िशियंट स्टाफ होगा तो वो एज पर द टर्म्स, एज पर द कंडीशन टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अडॉप्ट करते हुए वो उस तरीके से काम करेगा, राइट? तो वो क्या करेगा, इफ़िशियंट स्टाफ को हमने रिक्रूट किया तो इट विल हेल्प इन विनिंग्स इन फ्रंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, के अमंग भी हम अपने आप को विन कर सकते हैं, हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। इज वॉट The two organization can easily acquire the same types of physical and the financial resources, but what helps the organization to win over other is the efficient staff. The organization with the efficient staff can win over with the competitor. अगर organization के पास efficient staff है तो वो कोई भी competitor के ऊपर win कर सकता है। Hopefully, the needs, importance and advantages of staffing is clear. We already discussed with the concept of staffing and the introduction part of staffing. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.